हेलो दोस्तों, अनीता आज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अपनी सब्सक्राइबर दोस्त की डिमांड पे दही बड़ा, चाट, समोसा या खाने के साथ खाई जाने वाली बहुत ही टेस्टी और चटपटा हरा धनिया की चटनी। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। ग्रीन चटनी बनाने के लिए लेंगे पुदीना और हरा धनिया। हरा धनिया जितना लेंगे उसका आधा पुदीना लेंगे। हरा धनिया और पुदीना दोनों बहुत अच्छे से धोकर फ्रेश कर लिए हैं। अब लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसमें डाल देंगे हरा धनिया और पुदीना। अब इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार लीजिएगा, थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं। वैसे चटनी थोड़ा तीखा चटपटा ज्यादा अच्छा लगता है। 4-5 कली लेंगे लहसुन। ये बहुत छोटे छोटे साइज का है इसलिए 4-5 कली ले लिए हैं, बड़े साइज का है तो आप 2 ही लीजिएगा। 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम सादा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार लीजिएगा। और खट्टे के लिए आधा नींबू का रस डालेंगे। आप नींबू की जगह पे 1 चम्मच आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। अभी आम का सीजन है तो आप इसमें कच्चा आम काटकर भी ले सकते हैं, उससे भी चटनी बहुत टेस्टी और चटपटा बनता है। अब इसमें डालेंगे 2 आइस क्यूब। चटनी का कलर एकदम ग्रीन बना रहेगा। अब इसमें ढक्कन लगाएंगे और एकदम चिकना चटनी पीस कर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, चटनी पीस कर तैयार है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, आइस क्यूब डालकर चटनी बनाने से इसका कलर एकदम ग्रीन बना हुआ है। आप इसे 1 सप्ताह तक फ्रिज में रखकर खाइए, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। टेस्टी और चटपटा हरा धनिया की चटनी बनकर तैयार है। अब आप इसे दही बड़ा, समोसा, पकौड़े के साथ सर्व कीजिए, टेस्ट दोगुना हो जाएगा। आइए एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं हरा धनिया को लंबे समय तक ताजा रखने का। ये 3 दिन पहले का हरा धनिया है और देखिए एकदम ताजा और फ्रेश है। ताजा रखने के लिए 1 ग्लास में पानी लेंगे। आप स्टील का भी ग्लास ले सकते हैं और पानी रख लेंगे। और पानी इतना रखना है कि सिर्फ जड़ डूबे धनिया का, डंठल नहीं डूबना है, नहीं तो डंठल खराब होने लगेगा। और अब लेंगे 1 पॉलीथीन और इस तरह से इसे ढक देंगे और इसे कहीं भी ठंडे जगह पे रख दीजिए। 1 सप्ताह तक हरा धनिया खराब नहीं होगा।